का दिन अग्निशामक विभाग के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रहा। दिन भर चला आग का तांडव। बुटीपुरी समेत शहर में 5 जगह हुई आग की घटनाएं। शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने एमपीडीए की कार्रवाई के बाद से फरार कुख्यात अपराधी ओमनगर निवासी सपनल सालुखे को 7 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच बीते 24 घंटे में जिले में 887 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें सबसे अधिक सिटी में 716 लोगों का समावेश रहा। फर्जी क्रीड़ा प्रमाण पत्र बनाकर स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी के घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम प्रशांत चौहान है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के दौरान वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में पहले दिन जिले में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 702 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि 45 से 59 वर्ष के 47 लोग ही टीका लगाने पहुंचे। सास के नाम पर दर्ज मकान को अपने नाम पर करने से नाराज पति ने अपनी पत्नी के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी जान लेने की कोशिश की। आरोपी का नाम गुप्ता चौक सुरेंद्रगढ़ निवासी राहुल वर्मा बताया गया है। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस विभाग DGGI नागपुर जोन ने जनवरी और फरवरी में संपूर्ण महाराष्ट्र में 48 कार्रवाई कर लगभग 656 करोड़ रुपए का जाली बिल जारी करने का मामला उजागर किया है। सोमवार को NDS दस्ते ने कुल 109 प्रतिष्ठानों पर दस्तक दी, जिनमें से 10 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने का मामला उजागर हुआ है। मंता में सलाहकार समितियों के सभापति और उपसभापति के चुनाव में भले ही विरोधी दल के पास संख्याबल न हो, लेकिन चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण होने का खेद सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने जताया। सोमवार को भी दस्ते ने प्रत्येक जोन में दस्तक दी, जिसमें कुल 220 अतिक्रमणों का सफाया किया गया, साथ ही 2 ट्रक सामान भी जब्त किया गया।